नशे का कारोबार करने वाले अपना धंधा छोड़ दें या फिर जिला छोड़ दें, जिले में नशे का व्यापार किसी भी सूरत में फलने फूलने नहीं दिया जाएगा तथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नशा समाज का साझा दुश्मन है, इसलिए सभी लोग नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। नशा स्वस्थ समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आकर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन में आगामी भूमिका निभानी होगी। नशा तस्करों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए तथा समाज का कोई भी व्यक्ति उनकी पैरवी ना करे। उक्त विचार जिला के पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने शमशाबाद पट्टी में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं तथा आम जन को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिले में पुलिस अपने स्तर पर नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हुए हैं, परंतु इस अभियान की संपूर्ण सफलता के लिए जन सहयोग अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नशा बेचने वालों की असली जगह जेल में है, इसलिए नशे का कारोबार करने वालों की सूचना निसंकोच होकर पुलिस को दें। पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि माँ बाप अपने बच्चों की दैनिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखें तथा अपने बच्चों को नशे से दूर रहकर शिक्षा तथा खेलकूद की गतिविधियों में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। देखिए, हमारे द्वारा अवेयरनेस कैंपेन्स लगातार चल रहे हैं, मैं खुद पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस, जो रिहैबिलिटेशन है या एनफोर्समेंट है, एक जो हमने नई पहल चोरी जो शुरू की है वो ये है कि बच्चों को प्रेरित करना खेल की तरफ, ताकि वो अपनी एनर्जी डाइवर्ट यहाँ करें। जितने भी गाँव में हमें लगता है कि कुछ प्ले ग्राउंड जो कि अब बंजर है या वहाँ क्लीनिनेस की जरूरत है, वहाँ हमारे द्वारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा 4 टीम्स बनाई हैं, हैंडबॉल की, कबड्डी की, वॉलीबॉल की और क्रिकेट की। वहाँ जाके हम नेटिव्स जो विलेजेस हैं उनके साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हैंडबॉल खेल रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आज हमने यहाँ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो रेस हो, टग ऑफ वॉर हो, कबड्डी हो। तो हमारा मेन मोटो यही है कि हम युवा को की एनर्जी को डाइवर्ट करें और खेल कूद की तरफ उन्हें प्रेरित करें। देखिए कि जो जैसे मैंने कहा कि जो इन्फोर्समेंट का पार्ट है, इस साल हमारी पुलिस द्वारा 460 लोगों को करीब पकड़ा गया है। 188 के पर्चे, जो 144 का ऑर्डर था, जिसमें वो मेडिसिन जो कि NDPS एक्ट में नहीं आती, क्योंकि ये काफी हमें इनपुट्स मिल रहे थे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो केमिस्ट शॉप हैं वो मेडिसिन पेंटाडोल या पेगलिन जैसे सॉल्ट्स को बेच रही है, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि इनिशियल स्टेज है ये, इस पर रिस्पॉन्स हमें ठीक मिल रहा है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी गांव वार्ड यहाँ हैं अगले 2-3 महीने में हम उनको कवर करें और हर गांव में हम हर बच्चे तक पहुंच पाए कि अपनी एनर्जी, अपने थॉट अलग चीज से दूर रखें और पढ़ाई की तरफ या खेल कूद की तरफ मोटिवेट हों। देखिए, आपने ये देखा होगा कि देखो मैं सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा, कुछ सीक्रेट भी हम रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा पिछले 10 दिन में JJ कॉलोनी में ही हमने 4 से 5 बारी कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए हैं। जैसे जैसे इनपुट मिलेगा वैसे वैसे हम कार्रवाई करते रहेंगे। पीछे रानिया, एलनाबाद, वहाँ भी कॉम्बिंग ऑपरेशंस, उससे पहले डींग में, बाबदीन में, डींग मंडी में, वहाँ भी कॉम्बिंग ऑपरेशंस करवाए थे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू है और हम चाहेंगे कि जो हमने गांव अभी जो चिन्हित किए हैं, जिसमें 150 गांव कुछ ऐसे आए हैं जिसमें ये बताया गया है सरपंचों द्वारा, लोकल लोगों द्वारा, कि 60 से 70% वहां नशा कम हुआ है, तो हम उनको टारगेट करेंगे कि उनको हम 100% और ड्रग फ्री बनाएं। सर, पुलिस के पास अक्सर भी काम की कमी है, जैसे काम क्या दिखता है तो थानों में फाइल रिपोर्ट करवाना या आरोपी को पकड़ना, तो इस प्रकार से खेल प्रतियोगिता में पुलिस का हिस्सा देना किस प्रकार संभव है? देखिए, जो आपने कहा बहुत वैलिड पॉइंट है कि मतलब ड्रग्स इस डिस्ट्रिक्ट का मेन चैलेंज है, पर इसके अलावा भी पुलिस के विभिन्न काम होते हैं, चाहे वो एनफोर्समेंट है, लड़ाई झगड़ा है, अदर हीनियस ऑफेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत होता है। बट हमारी सिरसा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सारी मोटिवेटेड है, हम सब इसको एक इंडिविजुअल चैलेंज मान रहे हैं और चाहे हमें जितना भी अपने टाइम डिवोट करना पड़े, हम इस लड़ाई के लिए डिवोट करेंगे।
देखिए वार्निंग मैसेज क्लियर है, आप देख रहे होंगे कॉम्बिंग ऑपरेशंस है। तो मैं बता सकता हूँ कि जे कॉलोनी में जैसे जो नई मॉडर्स ऑपरेंडी थी कि कुछ फीमेल्स अपने घर में ही नशा पिला रही हैं, जो बेचारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो उनमें से तीन हमने अभी गिरफ्तार भी की हैं। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, आपको सिरसा छोड़ना ही पड़ेगा।